शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। ऑनलाइन सप्तमी संस्कृत की भाग 3 की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आइए अध्ययन शुरू करने से पूर्व हम वंदना का वाचन करेंगे। वंदना है तो सभी सज्ज हो जावें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब वंदना करने के पश्चात हम अध्ययन की ओर आगे बढ़ेंगे। रुचिरा द्वितीय भाग के प्रथमा पाठ सुभाषितानी का आज हम पठन करेंगे एवं वाचन करेंगे एवं अर्थ ग्रहण करेंगे। सुभाषितानी अर्थात नीति वचन या मधुर वचन। श्लोक क्रमांक 5 पर ध्यान देंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में एवं विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्या के संग्रह में या संचय में या ज्ञान को इकट्ठा करने में अर्थात ज्ञान के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च, आहार में अर्थात भोजन करने में, व्यवहारे और व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। त्यक्त लज्जा, लज्जा को त्याग देना, सुखी भवेत, सुखी होता है। पूर्ण अर्थ पर ध्यान देंगे। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च और विद्या के संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे च भोजन करने में एवं व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। जो व्यक्ति लज्जा को त्याग देता है वह व्यक्ति सुखी होता है। अब श्लोक क्रमांक 6 पर ध्यान देंगे। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृतिर्लोके अर्थात क्षमा, क्षमा अर्थात क्षमा करना, क्षमा वशीकृति धनलोके, संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते एवं क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात क्षमा के द्वारा क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता। शांति खड्गः करे यस्य, शांति खड्गः, शांति की जो तलवार है, शांति खड्गः, खड़क अर्थात तलवार, शांति की जो तलवार है वह, करे यस्य, वह जिसके भी पास है, करिष्यति दुर्जना, उसका दुर्जन भी अर्थात बुरा व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पूर्ण अर्थ पर ध्यान देंगे। क्षमा वशीर कृतिर्लोके, ये पूरा संसार क्षमा के वशीकरण, क्षमा के संसार में क्षमा एक बहुत बड़ा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते एवं क्षमा के द्वारा क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्या नहीं साधा जा सकता। शांति खड्गः करे यस्य एवं जिस मनुष्य के पास शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जना, उसका बुराई या बुरे लोग क्या बिगाड़ सकते हैं। तो बच्चों आप 5 एवं 6 क्रमांक श्लोक का अर्थ समझा एवं वाचन किया। सुभाषितानी के सारे श्लोकों का हमने पूर्ण वाचन कर लिया है। अब आगे आप कुछ
अर्थों सारे अर्थों को ध्यान से सुनेंगे एवं सारे अर्थों का वाचन करेंगे एवं मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी जिनका आप अभ्यास करेंगे एवं इन प्रश्नों को पूर्ण करेंगे। रत्नानी, यह कौन से लिंग का शब्द है? वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम, रवि, पृथ्वी, इन सभी शब्दों के आप लिंग बताएंगे। ये कौन से लिंग हैं, इन्हें अलग अलग लिंगों में छांटकर आप लिखेंगे। अधोलिखित धात्वा के संति एवं कुछ क्रियापद मैं आपको बताऊंगी जिनकी आप धातुएं लिखेंगे। करोति कौन सी धातु है, करोति की मूल धातु क्या है? तिष्ठति की मूल धातु क्या है? एक पदेन उत्तरत, पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी में कितने रत्न हैं? मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा कहाँ किन्हें रत्न संज्ञा रत्नों की संज्ञा दी जाती है? पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है? लोके वशीकृति का एवं लोक में वशीकरण, संसार में वशीकरण कौन सा है? तो आप इन सारे प्रश्नों को हल करेंगे एवं ध्यान से अध्ययन करेंगे सुभाषितानी प्रथमा पाठ का। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।